Hi guys, this is Ankara from Generalist Channel. Don't mug up, try to build a rational and logical study. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन और बेसिक साइंस से, तो जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जी, जो RRB में आए हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लकड़ी का उपयोग करते हैं, कौन सा लकड़ी का उपयोग करते हैं जी? तो नरम लकड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है नरम लकड़ी रहेगा तो क्या रहेगा जी, उसमें पिंस को क्या किया जाएगा, उसमें पिंस को निप किया जा सकता है जी, इसलिए नरम होनी चाहिए। उसके बाद स्टिक किया जा सकता है, गांठ वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए जी। ड्राइंग बोर्ड सफ़ेद पाइन और लाल देवरार मेजोनाइट लिनोनियम का बना होना चाहिए जी। मेजोनाइट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओक की लकड़ी का बना होता है जी, नरम पट्टियों से बनाया जाता है। ड्राइंग पिन आसानी से लगाया जा सके, इसलिए होना चाहिए जी। ड्राइंग पिन लगाने के लिए क्या आसानी होती है, इसलिए नहीं। बात की जाए A2 जो होता है, आपको इंपीरियल साइज को कहा जाता है। A2 को क्या बोला जाता है, इंपीरियल साइज बोला जाता है, ड्राइंग बोर्ड का साइज है, इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। आज पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज किया जाता है जी, तो आप A2 बोलिएगा। चलिए जी, आप देखिए क्वेश्चन पहला है। दूसरा है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जी। प्रोटेक्टर बनाने के लिए क्या है, सेल्यूलाइड का यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं जी ऑप्शन में क्या है, सेल्यूलाइड है। और अब बात की जाए तो सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल चार फेस होते हैं जी। कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसमें समबाहु त्रिभुज के चार फेसेज होते हैं, कौन सा जी? तो टेट्राहेड्रॉन जो है, आपको उसमें चार फेसेज होते हैं जी, आप उसके फिगर में देख सकते हैं जी, टेट्राहेड्रॉन के चार फेसेज हैं जी इसमें। और वो भी क्या है जी, तो सबके क्या है जी, लगभग एक जैसे हैं जी चारों फेस। फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है जी? तो फोम एक्सटिंग्विशर जो है, जो आपको लिक्विड के लिए किया जाता है जी, जो भी लिक्विड है, तो लिक्विड किस में आता है जी, तो क्लास बी में आता है। क्लास बी का जो फायर होता है उसमें क्या आता है जी, क्लास बी में, तो इसलिए फोम एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है जी क्लास बी फायर बुझाने के लिए। वर्ग बी में आती है, जिसमें बाहरी कनेक्टर में सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जी, उसके घोल होते हैं। अंदरूनी कनेक्टर में एल्यूमिनियम सल्फेट का भी घोल हो सकता है। इसके बॉडी पर लगभग 100 mm के साइज से भूरे रंग का हाथ बना होता है जी। 1 watt hour कितने के बराबर होता है जी? तो 3.6 × 10³ के बाद बराबर होता है जी। एक बात याद रखिएगा, 1 kW नहीं है जी, 1 watt hour है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 1 kW नहीं है जी, 1 watt hour है। तो 1 watt hour को कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? तो आवर को बस कन्वर्ट कर देना है सेकंड में, तो आंसर हमारा आ जाएगा जी। तो यहाँ से देख सकते हैं जी, आवर को हमने क्या किया जी, 60 × 60 कर दिया है, और जूल तो होता ही ऐसा यूनिट, तो ये सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि आवर तो होता नहीं ऐसा यूनिट में। तो यहाँ 3600 आगे 3600 कैसे लिखते हैं, 3.6 × 10³ जूल लिख सकते हैं। तो मैं सबसे बात करूँगा, एक क्वेश्चन ये भी है, 1 kW को किस में कन्वर्ट करें जी, जूल में कन्वर्ट करें, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है। उसका आंसर हो जाता है 3.6 × 10⁶ हो जाता है, जबकि इसका आंसर 3.6 × 10³³ है जी। तो दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस है, करंट रेटिंग 5 kΩ है और 1.5 watt रजिस्टर से बताना है जी। तो रजिस्टर का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमको पावर दिया हुआ है जी, रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है, हमको करंट रेटिंग बताना है यानी I निकालना है। तो हम पावर का फार्मूला जानते हैं जी, पावर का फार्मूला क्या होता है, VI है, ये बोल सकते हैं I²R होता है जी। तो वहाँ से हम निकालेंगे R की I की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, P अपॉन रूट हो जाएगा, रूट ना P/R, या इसको लिखिए V को IR लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, I²R हो जाएगा। यहाँ से आप I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, P/R का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें R जो है हम लोग किलो ओम है, तो उसको क्या करेंगे, ओम में कन्वर्ट करेंगे जी। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिए, जब फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू VI या I²R है जी, और यहाँ से I की वैल्यू भी आ जाता है P/R, ये आपको करेंट की वैल्यू बता देगा जी। इस क्वेश्चन को में भी वैल्यू रख दीजिए, तो ऐसे भी आपको आंसर आ जाएगा। तो कोई भी फार्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट उसको यूटिलाइज करना हमें आना चाहिए जी, इससे क्या होता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है जी। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं, डैश इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड्स कंट्रोल मॉनिटरिंग डाटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम। तो बात कीजिए, तो IT लिटरेचर का एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गोरखपुर में आया हुआ है जी। तो फ्री जो फर्मवेयर है, जो फर्मवेयर है उसका है जी, फर्मवेयर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं जी, सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कंट्रोल मॉनिटरिंग और डाटा मैनिपुलेशन
करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का सिस्टम का किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बी आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ज़्यादा याद रखिएगा, ये आपको बात कर रहे हैं तो गोरख ALP टेक्नीशियन में आया हुआ जी, 2010 का क्वेश्चन है। तो फर्मवेयर जो है आपको एक हमारे कंप्यूटर IT सेक्टर का है जी, इसको फर्मवेयर अभियांत्रिक उत्पादों का यंत्रों पर नियंत्रण करता है, निगरानी रखता है, आंकड़ा प्रकरण करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जी, हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है जी, क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है जी हार्डवेयर डिवाइस के लिए जी। तो हार्डवेयर के बारे में, फर्मवेयर के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने। फर्मवेयर हम बता देना चाहूँ कि IT लिटरेचर भी आपके सिलेबस में है जी, और उससे भी क्वेश्चन आएंगे जी। SMS के जनक किसको कहा जाता है जी, तो SMS के जनक किसको कहा जाता है, तो मैटी मैकेनॉन को कहा जाता है जी, मैटी मैकेनॉन को कहा जाता है। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है जी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। इसके कौन है जी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मैटी मैकेनॉन। मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से SMS तकनीकी के जनक के रूप में मैटी मैकेनॉन को माना जाता है जी। और फर्स्ट कंपनी कौन थी जी, वोडाफोन थी, जिसने SMS क्या किया जाती सेंड किया था और अपना रिसर्च कंप्लीट किया था जी, तो वोडाफोन हो जाता है उसके लिए। और SMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS के जनक हो जाए मैटी मैकेनॉन, हो गया बी आंसर। चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया है जी, किसका प्रदर्शन है जी, तो कास्ट आयरन का है, किसका है जी, स्टील का है, स्टील का ऑप्शन रहता तो ये भी लगाते जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम के लिए ये सिंबल है, लेड, जिंक, श्वेत धातु, अगर ऐसे भी क्रॉस कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। ग्लास के लिए, ग्लास का आप देख सकते हैं जैसे ऐसे करके, फिर से ऐसे ऐसे ग्लास जैसा है। और लकड़ी का आप देख सकते हैं, लकड़ी के ये जो आप लकड़ी का जब भी कटाता होगा तो आप देख सकते होंगे लड़की लकड़ी वगैरह में ऐसे ही रहते हैं जी सिंबल, वहाँ पर लेयर्स बने रहते हैं। और कंक्रीट का बात किया जाए तो देख लीजिए क्या है, छड़ वगैरह है, उसके आसपास क्या है, छोटे छोटे सीमेंट उमेंट वगैरह सब है, तो कंक्रीट पता चल रहा है। वाटर पेट्रोल किरोसिन कैसा है जी, ऐसा देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना है डॉट डॉट करके, हॉरिजॉन्टल जैसे हम लोग बचपन में पेंटिंग वगैरह करते थे तो वाटर बनाते थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी किरोसिन है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये क्या है जी, कास्ट आयरन का है जी। अगले क्वेश्चन आते हैं, आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में वास्तविक बीमाओं से कितने प्रतिशत कम हो जाती है। देखिए जी, बात की जाए आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में तो 0.816 होता है जी, कितने परसेंट कम होता है, तो 18.5% कम हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि कितना परसेंट, जिससे 18.5% कम हो गया, तो कितना परसेंट और उस बीमाओं को बढ़ाएं ताकि फिर से ओरिजिनल बीमाएँ हो जाएँ, तो कितना परसेंट हो जाएगा जी, 22.5%। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा जी, तो इसका आंसर होगा 18.5%। 18.5% क्या हो जाता है, कम हो जाता है जी। अगर कितना परसेंट बराबर करने के लिए ज़रूरत होगा तो 22.5% होगा जी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गाइज, आपने अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि इस चैनल का वीडियो देखें जी। तो मैं बता देना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आपको करंट अफेयर डेली अपलोड होता है, आप करंट अफेयर देख सकते हैं जी, करंट अफेयर का वीडियो, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा ना पढ़ें, जितना पढ़ाया गया उतना ही पढ़ें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो चाहिए। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। और आगे आपको कुछ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उनको सभी को आपको ध्यान में रख के उन सबको याद कर लीजिए जी, याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, देख सकते हैं ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है, तो कौन सा जी, इबोनी एज है। ड्राइंग बोर्ड को चिन्हित भाग एक्स का क्या नाम है, तो ये इबोनी एज जो होता है लेफ्ट साइड में होता है आप ड्राइंग बोर्ड का, तो इबोनी एज बोलिएगा या वर्किंग एज बोलिएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, पेंसिल एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब हार्ड होता है जी, और बी का मतलब ब्लैकनेस होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, सेट स्क्वायर द्वारा कौन नहीं बनाया जा सकता जी, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री बनता है, 15 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
चांद की बात की जाए तो चांदा प्रोटेक्टर की का आकार कैसा होता है जी, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार होता है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जी, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आते हैं, डी जीरो का साइज़ क्या होता है, तो डी जीरो का साइज़ क्या होता है जी, 1500 हज़ार और 25 होता है जी, कितना है, 1500 हज़ार और 25 mm का होता है जी। डी जीरो का क्या हो जाएगा, तो 1700 और 25 mm का हो जाएगा जी। डी वन का क्या हो जाएगा, 1725 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ड्राइंग बनाने में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो गांठ वाली नहीं होनी चाहिए जी, नरम होनी चाहिए, अच्छी तरह सीजन होनी चाहिए, ठीक है ना, गांठ वाली नहीं होनी चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है जी, नहीं पूछ रहा है इसलिए सी हो गया है। टी स्क्वायर पर ई के रूप में अंकित हिस्से का नाम बताइए जी, ई वाला क्या है जी, आपको स्टॉक या हेड बोलते हैं, इसको ब्लेड बोलते हैं जी, तो ये मेरा ब्लेड पार्ट है। टी स्क्वायर की माप किससे लिया गया है, टी स्क्वायर की माप किससे लिया गया है, तो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है जी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, बैटन का उद्देश्य क्या होता है जी, स्ट्रिप को सहारा देना या मोड़ने से बचाना, स्ट्रिप को जोड़ना, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी, मोड़ने से बचाना, सबसे ऊपर। टी वन साइज टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है, तो 1000 होती है, क्या होती है जी, 1000 होती है, टी जीरो की 1500 होती है, टी वन की 1000 होती है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है जी, वर्किंग एज पर कौन सा स्लाइड करता है, तो ब्लेड करता है, टी स्क्वायर का भाग वर्किंग एज पर, सॉरी हेड करेगा, सॉरी हेड करेगा, आपको ब्लेड तो आपको बोर्ड पर होता है। केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए निम्न में से किस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है, टी स्क्वायर का प्रयोग करके देखिए, सीधी समानांतर खींची जा सकती है, खड़ी समानांतर खींची जा सकती है, झुकी हुई समानांतर खींची जा सकती है, किंतु तो कौन सा चाहिए, सीधी समानांतर खींची जा सकती है जी। टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड में वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है जी। निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है, हॉरिजॉन्टल समानांतर लाइन खींचने में होता है जी, सेट स्क्वायर को सहारा देने में होता है, पेपर कटिंग इसमें से समय स्ट्रेच एज को काम करना, पेपर कटिंग में स्ट्रेच, तो क्या होता है जी, टी स्क्वायर का उपयोग नहीं होता है बोल रहा है, तो क्या स्टेज वर्क में नहीं कर, सी 18। टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है, सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन कौन सी है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है, टी स्क्वायर द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है। देखिए टी स्क्वायर से बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा, तो सेट स्क्वायर के द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींची जाती है, वर्टिकल भी, समानांतर भी, देखिए इसलिए खींची जा सकती है, हॉरिजॉन्टल टी स्क्वायर साइज खींचिएगा तो इसलिए उपरोक्त हो जाएगा जी। सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से 10-10 डिग्री के गुणज में, तो 15 डिग्री के गुणज में क्या की जा सकती है जी, लाइन खींची जा सकती है अच्छी, तो यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर 15 के गुणज में बना सकता है जी एंगल, दिए गए ई का मान बताना है जी, ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए ई मेरा छोटा वाला साइज है, बड़ा वाला है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री, तो 105 डिग्री हो जाएगा, और टोटल तीनों मिलकर क्या होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का कोण हो जाएगा जी। इसको याद रखिएगा, देखिए इसमें जो साइड है देखना पड़ेगा कौन सा साइड बड़ा है जी, तो जो साइड बड़ा रहेगा उसमें 60 डिग्री उसके सामने हो जाएगा, तो 75 डिग्री आंसर हो गया जी। A4 नामित ट्रिम साइज का क्या है जी, A4 का साइज आप देख सकते हैं B में लिखा हुआ है जी, 210-297 है जी। A3 का साइज वही क्या हो जाएगा जी, इससे बड़ा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला जो हो जाएगा ट्रिम्ड का, चलिए जी ये सब याद रखिएगा, आप लोगों को याद होगा इसे भी, दिए गए चित्र में कोण अल्फा का मान क्या है जी, अल्फा का मान बताना है, तो क्या हो जाएगा 45-75, तो 100 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 105 हो जाएगा जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है, और ये क्या हो गया, 75 हो गया जी। कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से नहीं किया जाता है जी, कोण बनाया जा सकता है, कोण मापा जा सकता है, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, ये सी काम नहीं हो सकता है जी, 25 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा इसका, आंसर सी हो जाएगा। प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए सेल्यूलॉइड का प्रयोग किया जाता है जी। तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है जी, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है, पेंसिल के ग्रेड पर किया जाता है जी। सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल कौन सी है जी, तो 9H हाई ग्रेड की पेंसिल है, कौन सी है, 9H सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल है। दिए गए चित्र में अल्फा का मान बताना है जी, देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है जी, ये 30 डिग्री, तो 120 डिग्री बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी,
यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा जी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा जी। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं जी। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये कितना होगा, तो यहाँ देखिए 90 और 30 120 हो जाएगा, तीनों मिलकर 180 होता है, तो क्या हो जाएगा जी, अल्फा 60 हो जाएगा। तो आंसर मेरा डी हो गया। दो सेट स्क्वायर के समायोजन से कई प्रकार के कोण बनाए जा सकते हैं, अल्फा निम्न में से कौन सा है जी। देखिए अल्फा के बारे में पूछ रहा है जी, कौन सा एंगल है ये वाला, तो देखिए ये 60 डिग्री का है जी, इसमें 30 60 का होता है, 45 45 का होता है, आपको भी पता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा जी। तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या जी, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल यूज होती है। साधारण ड्राइंग में तो HB पेंसिल का यूज होता है जी, ग्रेड का, ठीक है ना, HB का होता है, ये तो गलत है, 6H नहीं, HB पेंसिल होता है जी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 32 ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है जी, षष्ठभुजाकार होता है। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है जी, किसका किया जाता है जी, तो इरेजिंग शील्ड जो होता है उसका यूज करते हैं जी, निर्धारित लंबाई तक मिटाने के लिए। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनी होती है, तो स्टील की पतली पत्ती होती है जी, स्टील की क्या होती है, पतली पत्ती होती है, इरेजिंग शील्ड बना होता है जी उसका। तो ये इरेजिंग शील्ड ऐसा होता है जिसको पर्टिकुलर जगह तक ही इरेज किया जाता है जी, उसमें ऐसी फैसिलिटी होती है। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से है जी, तो इलिप्सिकल उससे ड्रॉ कर सकते हैं जी। कोण ए का मान बताना है जी, देखिए ए क्या है, 45-45 डिग्री का होता है जी, तो ये 135 डिग्री का हो जाएगा। देखिए अब अलग अलग सेट स्क्वायर को रख के एंगल पूछा जा रहा है, तो हमको सेट स्क्वायर का एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए सभी। ए का मान देखिए भी यहाँ पे भी पूछा गया, ये 60 है 45 है, तो क्या हो जाएगा, 60 है 45 है 105 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा जी। तो देखिए लॉजिक वही है, बस उसको क्या करना है, अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है जी, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण, प्रोटेक्टर क्या होता है जी, डिग्री में मापता है जी, किस में मापता है, तो डिग्री में मापता है, आंसर ये हो जाएगा। प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के कोण मापे जा सकते हैं जी, तो प्रोटेक्टर से आपको भी पता है कितने, हाँ तो मतलब पूछ रहा है मिनिमम कितने मापा जाते हैं, एक डिग्री मापा जा सकता है जी, इसलिए 40 का बोल रहा है। ड्राइंग उपकरण कौन सा है, कौन सा ड्राइंग उपकरण है, तो ये बड़ी कंपास है जी, एक बड़ी कंपास होता है, बो कंपास होता है जी, लेंथनिंग कंपास होता है। तकनीकी ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग में लाई जाती है जी, तो कौन सा है, मिल मेड जो ड्राइंग शीट होता है उसका लाया जाता है, क्योंकि यह स्मूथ होता है। IAS के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के अनट्रिम ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है, तो A4 शीट का बताना है, तो A4 शीट देखिए जो हमारे ड्राइंग शीट होता है 298 और 210 इससे बड़ा हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा जी, हमारा ये आंसर हो जाएगा 240 और 330 हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा जी अनट्रिम। कंस्ट्रक्शन लाइन में कौन सा यूज किया जाता है जी, तो अभी पता है कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए H और 2H का यूज करते हैं जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए तो 2H 3H भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इनिशियल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए तो H और 2H का देंगे जी, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन पूछ रहा है तो क्या देंगे जी, 2H और 3H का भी आंसर दे सकते हैं, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है जी, तो सबसे सॉफ्ट समझे 7B होती है, लेकिन इसमें सॉफ्ट 7B तो है नहीं, तो 6B आंसर लगाना पड़ेगा। पेंसिल की लीड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है, तो हार्डनेस क्लियर लाइट पर निर्भर करती है जी, और ब्राइटनेस यानी डार्कनेस पर करती है, तो ग्रेफाइट की मात्रा पर करती है। लेटरिंग आउटलाइन ऑब्जेक्ट को लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल यूज करती है जी, तो लेटरिंग के लिए आपको भी पता है H और 2H लाइन की यूज किया जाता है जी। 120 मीटर व्यास वाले वृत्त खींचने के लिए कौन सा उपकरण किया जाएगा, तो 120 के लिए क्या किया जाएगा जी, बड़ी कंपास करना पड़ेगा। देखिए 50 mm तक छोटी कंपास, 150 तक बड़ी कंपास, और उसके बाद लेंथनिंग कंपास। अर्धस्वचालित क्लास पेंसिल लीड का आकार कितना होता है जी, तो 0.5 mm होता है, अर्धस्वचालित क्लास पेंसिल का लीड 0.5 mm का होता है। निम्नलिखित रेखाचित्र कार्य में किसके लिए मृदु ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो मृदु किसके लिए किया जाता है सॉफ्ट, तो गाढ़ी के लिए, आपको भी पता है जो बी होता है ब्लैक होता है तो क्या होता है, गाढ़ा होता है जी। पैमाने विभिन्न पदार्थों में बनाए जाते हैं, तो पैमाने किसके बनाता है, स्टेनलेस स्टील जो मजबूत होता है जी। जिंक ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो कौन सा स्केल अधिक प्रयोग में लगाया जी, तो पतला फ्लैट क्रॉस सेक्शन और ढलवा किनारा रहना चाहिए, तो उसको ज़्यादा यूज में लाया जाता है। ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं,
तो ड्राइंग स्केल में आपको भी पता है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये वहीं लिखा है 300 और 150 mm तो लिखा है जी।